जनता के सामने। ठीक है राजीव रंजन साहब, मैं फिर आपकी बात आना चाहता हूँ। राजीव रंजन साहब, क्या विपक्ष जिस एजेंडे के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है वो क्लियर एजेंडा दिखाई देता है क्या? यार दूसरी तरफ मैं बीजेपी की तैयारियों की बात करूं, भ्रष्टाचार के खिलाफ, परिवारवाद के खिलाफ, जातीय जनगणना के खिलाफ, हिंदुत्व के खिलाफ और राष्ट्रवाद के साथ, जिस तरीके से हिंदुत्व राष्ट्रवाद के साथ जिस तरीके से बीजेपी आगे बढ़ रही है वो क्लियर कट दिखाई देता है कि उससे वोट मिलने वाला है? देखिए विपक्ष की स्थिति ऐसी हो गई है कि जब कोई अच्छा बल्लेबाज बैटिंग करता है और किसी तरह की बात पर चौके छक्के मार देता है तो बॉलर कंफ्यूज हो जाता है और उसके समझ नहीं आता कि आप क्या करें। देखिए अभी देखिए जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे 2% वोट का ही अंतर कर्नाटक में भी था भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में। 2% वोट से कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी हारी और पूरे देश में एक नैरेटिव खड़ा करने का प्रयास किया गया कि भारतीय जनता पार्टी की बुरी हार होने वाली है और उसके बाद जैसे ही 5 राज्यों के चुनाव हुए सारा नैरेटिव इनका फेल हो गया। जब आमने सामने की चुनाव होती है, पोलिंग होती है, तो अगर 1-2% वोट घटा पड़ा तो उससे बड़ी हार जीत होती है। आज सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति आगे कहां खड़े हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जिस रूट से गुजरी उस रूट की सीटों पर कांग्रेस की बुरी हार हुई है। इसके बावजूद कांग्रेस अपने नीतियों पर पुनर्विलोकन करने को तैयार नहीं है। आज जाति जनगणना की बात हो रही है, सबसे बड़े बेईमान उत्तर प्रदेश और बिहार के वो नेता जो भारतीय जनता पार्टी के विरोधी रहे, भारतीय जनता पार्टी के विरोधी कितने दलों की सरकार उत्तर प्रदेश और बिहार में रही है वो उन सारे दलों के सीएम बैठ रहे। कोई भी अगड़ी जात का सीएम 1989 के बाद बिहार और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी पार्टी का नहीं रहा और 1950 के बाद इस देश पर कांग्रेस का शासन है। तो उन 70 साल ये देश का शासन जो हुआ, 9 साल ये निकालते कि अटल जी की सरकार छोड़ दीजिए जी, और इसके साथ साथ बिहार उत्तर प्रदेश में इन लोगों का शासन, ये लोग इतने दिनों में पिछड़ों का भला नहीं कर पाए। अब जब मोदी सरकार की नीतियों से लड़ नहीं पा रहे तब तो उनकी जनगणना की बात इन लोगों ने शुरू कर दी। तो सवाल ये है कि एक स्थिर नीति बनाकर सरकार की नीतियों को घेरेंगे तब जनता के बीच चाहिए ना विपक्ष के पास, तो विपक्ष तो कुछ तो चाहिए जनता के बीच जाने के लिए, तो यही मसला विपक्ष लेकर जा रहा है। तारिक खान साहब, कुछ कॉन्क्रीट है क्या बीजेपी की रणनीति के खिलाफ कुछ आप लोगों के पास? देखिए मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाए और कंक्रीट ये है कि जातिगत जनगणना की मांग, अगर हम ये राज्य हार जाते या कुछ बैकवर्ड लोगों को बना देकर, मध्य प्रदेश का चीफ मिनिस्टर बैकवर्ड को बनाकर या यादव को बनाकर, क्या जातिगत जनगणना की डिमांड खत्म हो गई या हो गई जातिगत जनगणना? ये कैसे हो सकता है? आपका मन, मेरे आपत्ति मुझे इतनी है कि आप जातियों की बात नहीं करते, प्रधानमंत्री कहते हैं कोई जाति नहीं, फिर आप चिल्ला चिल्ला कर इसका क्रेडिट लेना चाहते हैं कि मैंने हर समाज के लोगों को बता दिया, मैंने बैकवर्ड को खूब बना दिया, एससी को खूब बना दिया, एक यादव को बना दिया, देखो अखिलेश यादव तुम आकर देखो, इसका क्या मतलब है? मतलब ये मुझे समझ नहीं, अजीब बात है। जब जाति महिला है, गरीब है, तो उन्हीं लोगों के लिए करिए और उस पर भी रिव्यू कराइए। आप लोग तो चाहते ही रिव्यू मंडल कमीशन की सिफारिश पे, तो करिए ना। कहे उसको मतलब जो बातें हैं, मेरा कहने का मतलब है अल्फाज और तकनी और करनी में फर्क दिखता है। आप कहते हैं जातियां नहीं है और प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक रूप से कहा कि मेरे लिए कोई जाति नहीं है, तो यादव को बनाकर, फिर शर्मा जी को बनाकर, आप जब डिप्टी सीएम बनाते हैं उत्तर प्रदेश में तो जातियों का खास ख्याल रखते हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जातियों के ताने बाने से, ठीक है। आलोक अवस्थी साहब, जो मैसेज आप लोग दे रहे हैं 3 राज्यों में मुख्यमंत्रियों को सिलेक्ट करके, जिन जिन मुख्यमंत्रियों को आप लोगों ने तय किया है, प्रधानमंत्री ने तय किया, आलाकमान ने तय किया है, वो क्या मैसेज है आलोक अवस्थी साहब? क्योंकि तारिक खान साहब उस मैसेज को कुछ अलग तरीके से देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई आप भी जातिगत बातें कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप जाति की बात नहीं कर रहे हैं। कुंदन जी, आपकी भी कोई जाति होगी, बिल्कुल मेरी भी एक जाति है, किसी अन्य व्यक्ति की जाति है, पुनीत जी की जाति है, राजीव जी की जाति है, तो जो भी कोई बैठेगा उसकी जाति की चर्चा हो जाएगी। अब ये कहा जाए कि फलाने जाति को बना दिया गया, ये उचित नहीं है। कार्यकर्ता को मौका मिला है,
एक नीचे नीचे पीछे से गरीब घर से आने वाले लोगों को मौका मिला है जो आज सत्ता को आगे ले जाएंगे। हमारे यहाँ एक निरंतर प्रगति निरंतर बदलाव की एक जो है हमारे यहाँ एक नीति चल रही है कि हमने पार्टी के अंदर वहां पर नई ऊर्जा डाली है और उसका लाभ हमको आगे मिलेगा। समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो या और अन्य दल की जो पार्टियों, क्या कारण है कि आप 5 साल के लिए सत्ता में आते हैं उसके बाद जनता रिपीट नहीं करती है कभी आपकी सरकारों को? कांग्रेस के जितना भी मुख्यमंत्री हुए आज तक रिपीट नहीं हुए, समाजवादी की पार्टी के मुख्यमंत्री में रिपीट नहीं हुए कभी। भारतीय जनता पार्टी को लगातार अगर जनता भरोसा कर रही है, उनकी सरकारों को दोहरा रही है। आप राजस्थान में रिपीट होती है, लेकिन आप मध्य प्रदेश देखिए, मध्य प्रदेश में हम लगातार जो है 20 वर्षों से सत्ता में है और लगातार फिर 5वीं बार हमको जो है मिला है। हम गुजरात में बराबर रिपीट कर रहे हैं, यूपी में कभी सरकार रिपीट नहीं होती थी, हमने रिपीट किया है। और मैं कांग्रेस के एक जो प्रवक्ता इनको बैठा रखा है, मैं उनकी बात सुनकर तो हास्यास्पद हो गया हूं कि अभी सरकार में शपथ नहीं हुई है, अभी जो आप बात कह रहे हैं वो अशोक गहलोत पर ही फिट बैठ रही है, कहीं पर कोई बात है? अभी तो बिजली में कोई दाम बढ़ाए नहीं गए हैं, अभी तो सरकार ने काम करना ही नहीं शुरू किया है, मुख्यमंत्री ने शपथ नहीं ली है। तो आप अपनी ही सरकारों का अपना ज्ञान जो बांट रहे हैं वो आप पढ़ करके लाए और लिख करके लाए, लेकिन वो आपके कुकर में। तीन राज्यों के जो मुख्यमंत्री आपने बनाए हैं और नए चेहरों को जो आपने मौका दिया है, क्या जो रीजनल पार्टीज हैं खासतौर पर क्षेत्रीय क्षत्रप जिन्हें कहा जाता है, उनको भी एक मैसेज है कि देखिए हमारे यहां तो कोई बन सकता है, और जो क्षेत्रीय पार्टियां चाहे बिहार की हो, महाराष्ट्र की हो, उत्तर प्रदेश की हो, बंगाल की हो, वहां पर अगर किसी की सरकार बनेगी तो कम से कम चेहरा तय है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता भी सर्वोच्च पद पर बैठ सकता है और अन्य पार्टियों में मैं या मोर बबुआ इसके अलावा तीसरे की कोई जगह नहीं है। तो हर आदमी अपने और अपनी अगली पीढ़ी के बाद पार्टी की विरासत को ट्रांसफर कर रहा है, इसीलिए इन पार्टियों पर जनता भरोसा नहीं कर रही है। ये एक बार सत्ता में आते हैं जनता को झूठ बोल करके, लेकिन जो उनकी रीति नीति होती है, जिस तरह से ठगने का काम करते हैं, भ्रष्टाचार का काम करते हैं, अपराधियों को बढ़ावा देते हैं, दोबारा जनता इनको नकार देती है। वही लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता का भरोसा है, क्योंकि जो हम कहते हैं वो करते हैं, हम अपना लोक संकल्प पत्र जो जनता के सामने रखते हैं उसको पूरा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, इसके कारण लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रिपीट हो रही हैं और उन पर जनता का भरोसा है। एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि हताशा में, हार की हताशा में या रणनीतिक भूल ये करते हैं कि प्रधानमंत्री जो एक गरीब का बेटा है जो पिछड़े समाज से आता है उसको गालियां देना, उसको अपशब्द कहना, उसके बारे में उसको बेइज्जत करना, या देश की जनता देख नहीं सकती है, क्योंकि उसको मालूम है कि हमारा देश का जो प्रधानमंत्री है वो कहीं भी आराम नहीं करता है, 365 दिन काम करता है, 24 घंटे वो जनता के हित में काम कर रहा है, उसको गालियां देने वालों को ये जवाब दिया गया है। और जितने भी मुद्दे विपक्ष ने हमारे खिलाफ उठाए उन सब में जनता ने मैंडेट दे दिया है, यानी कि जनता को पता है कि उसका भविष्य मोदी जी के हाथ सुरक्षित है और मोदी जी का जो लक्ष्य है वो भारत को विश्वगुरु बनाना है। आज हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं, निश्चित रूप से मोदी जी के तीसरे कार्यकाल में हम तीसरी विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे। आप सोचिए, हमारी जब अर्थव्यवस्था बढ़ेगी तो हमारे रक्षा उत्पाद हो, हमारे अन्य संसाधन हो, हमारे रोजगार हो, हमारे यहाँ टैक्स कलेक्शन हो, हर चीज में बढ़ोतरी होगी। आज भारत एक ठीक है सर, आलोक जी मैं लौटता हूँ, आगे बढ़ रहा है। पुनीत पाठक जी हमारे साथ मौजूद है। पुनीत पाठक साहब, जो बीजेपी का जो कोर एजेंडा राष्ट्रवाद का, हिंदुत्व का, भ्रष्टाचार के खिलाफ का और परिवारवाद का, इसका कैसे आप जवाब देंगे आप लोग चुनाव में? क्योंकि अभी हाल में जो तीन राज्यों में आपको हार मिली, एक राज्य आप भले ही आप जीत गए, किस तरीके से जवाब देंगे? सिर्फ अपनी जीत ही याद रहती है। हिमाचल में इनकी सरकार का इनको याद नहीं है, झारखंड में इनकी सरकार का इनको याद नहीं है, कर्नाटक में इनकी सरकार का इनको याद नहीं है। इनकी जहां जहां इनकी सरकारें जाती हैं इनको याद नहीं रहता है, लेकिन जहां इनकी सरकारें रिपीट हो जाती है इनको सब याद रहता है। आता हूं आपके मुद्दे पे। देखिए, बीजेपी को अपना परिवारवाद नहीं दिखता। अब इनका परिवारवाद नहीं है, लेकिन किसी और का परिवारवाद है।
भ्रष्टाचार की लोग बातें करते हैं, बीजेपी की गंगा में जो जाता है वो धुल के साथ आता है बाहर, उसमें उसके बारे में कुछ नहीं कहना है। अभी छगन भुजबल साहब के खिलाफ ईडी ने केस इसलिए बंद कर दिया क्योंकि ईडी को पुरानी फाइलें ही नहीं मिल रही थी छगन भुजबल के खिलाफ, तो इसलिए ईडी ने केस बंद कर दिया। तो वो बिल्कुल भ्रष्टाचार नहीं है। अजीत पवार जी जब तक इनके साथ नहीं थे तब तक भ्रष्टाचारी थे, इनके साथ है तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी अभी नरेंद्र सिंह तोमर जी के बेटे का वीडियो वायरल हुआ है और अभी भी गिनती जारी है, बात हो रही थी। 351 करोड़ में जो बरामद हुआ है भ्रष्टाचार का रुपया कांग्रेस का, जो कांग्रेस भ्रष्टाचार में लिप्त रहती है, अभी तक धीरज साहू पे कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर पाई? कारण यह है कि धीरज साहू को मालूम है कि ये पैसा इसमें कांग्रेस का भी पैसा है और उसके राज का फाज जो है धीरज साहू कर देगा, इसलिए धीरज साहू के खिलाफ कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी। आलोक जी सुन लेते हैं, आलोक जी पुनीत जी को सुन लेते हैं, उसके बाद फिर से आपको मौका दूंगा। आलोक जी हाँ ठीक कही है, पुनीत जी कही है। सुनने की क्षमता विकसित रखिए। अब आते हैं हिंदुत्व पे। हिंदुत्व का जो मुद्दा है वो ऐसा मुद्दा है जो इस देश में मेजोरिटी हिंदू है। हम मैं भी प्रैक्टिसिंग हिंदू हूँ और ऐसा नहीं कि कांग्रेस के लिए हिंदू वोट नहीं देते हैं। राम मंदिर बन रहा है तो मोदी जी के अकेले की वजह से नहीं बन रहा है, कोर्ट का डिसीजन है, कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बन रहा है। हम लोग उसका स्वागत करते हैं, उसका जवाब, और जब राम मंदिर बनेगा पूरा हम लोग उसका पूरा उसके पक्ष में है। कोर्ट से डिसीजन आया, बनना चाहिए राम मंदिर। इसमें बीजेपी की कितनी भूमिका है वो बीजेपी भले अपनी चेस्ट थंपिंग करना चाहे तो करे, लेकिन हमारा मानना यह है कि ये कोर्ट से ली हुई कोर्ट का लिया हुआ कदम है। जनता के मुद्दे हिंदुत्व नहीं है, जनता का मुद्दा है रोजगार, रोटी कपड़ा मकान। आज के डेट में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, सबसे ज्यादा महंगाई है। आप मेरे पास एक डेटा है रोज इस पिछले सालों में एनसीआरबी का डेटा, 44,713 दहाड़ी मजदूरों ने सिर्फ 2022 में सुसाइड किया है, 15,783 बेरोजगारों ने सुसाइड किया है 2022 में, और 13,000 SC ST और OBC के बच्चों ने अपनी पढ़ाई छोड़ी है महंगाई की वजह से।